वो नमस्ते के काल मैं हूँ सी गाइस लास्ट 35 डेज टू गो एंड अब आने वाले पांच मिनट में मैं आप लोगों के साथ वही स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाला हूं एंड आप लोग के लिए लाया हूं एक मस्त वाला सरप्राइज सो एंड तक बने रहना सो दैट वी हैव ऑल क्लैरिटी ऑफ द थिंग्स दैट आई वॉन्ट टू डिस्कस तो सबसे पहली चीज जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं इज दैट अब ये मोमेंट पे जो लास्ट वन मंथ होता है ना यहाँ पे यूजुअली सेकंड रिवीजन जस्ट अभी स्टार्ट होने वाला होता है तो कुछ याद ही नहीं है इतना सारा सब्जेक्ट है दो, दो, सब, दो ग्रुप दे रहा है उसको लग रहा है छह सब्जेक्ट है पहला सब्जेक्ट पढ़ने गया छे छठवा भूल गया जो एक ग्रुप दे रहा है उसके साथ भी ये फीलिंग आता है सो दैट इज वेरी वेरी नॉर्मल विद एवरी वन मतलब मैं तो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट लास्ट इतने साल से पढ़ा रहा बट अचानक से मुझे भी पूछोगे तो मैं भी थोड़ा एक सेकंड के लिए ब्लैंक हो जाऊंगा वो एग्जाम का प्रेशर ही ऐसा होता है बट डोंट वरी सब कॉन्शियस माइंड में चीजें सब तरीके से स्टोर हो रही है तो अपना मेहनत करने में बैकफुट पे मत आना ये सोच के कि यार कुछ याद नहीं है सब चीज एग्जाम में जब लिखने बैठोगे याद आ जाएगा यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल फॉर दोज थिंग्स यहां तक ऐसे ही तो पहुंचे हो कौन सा ट्वेल्थ टेंथ में ट्वेल्थ, ट्वेल्थ में इकोनॉमिक्स लॉ वाली चीजें याद रहती थी बट स्टिल वी आर फॉर अ रीजन दैट यस अपन ने मेहनत की है तो इट विल बी एप्लीकेबल जब अपन मेन एग्जाम लिखना स्टार्ट करेंगे बट ये फीलिंग की वजह से कई लोग है ना दो दो तीन तीन दिन वेस्ट कर देते हैं कि यार पढ़ाई नहीं हो रही है दो ग्रुप दो के एक ग्रुप दो अब जो सोच लिया है ना वो करके दिखा अब दोनों ग्रुप सोचा है गो फॉर इट एक ग्रुप सोचा है गो फॉर इट अब बोलते ना वेवी माइंड मत रखो सो so, इसके लिए है मेहनत करना है दैट इज इन योर हैंड दैट इज द कंट्रोलेबल थिंग फोकस ऑन दैट एंड जितना मेहनत करते जाओगे उतना आपका लक फैक्टर बढ़ते जाएगा उतना चीजें याद होती जाएगी फॉर श्योर sure. दूसरा प्लान एंड स्टडी ठीक है अब थर्टी फाइव डेज में आने वाला एक दिन आप क्या पढ़ने वाले हो उसका प्लानिंग पहले से हो ही जाना चाहिए सो नेक्स्ट डे में क्या प्ला... करने वाला हूं ना पढ़ाई रात को मेरे दिमाग में सेट होना चाहिए एंड ट्राई टू अचीव दैट गोल रात की नींद बहुत अच्छी आएगी सो प्रीवियस नाइट आप नेक्स्ट डे का प्लान करोगे नेक्स्ट डे जब आप उस प्लान को एग्जीक्यूट कर लोगे ना इतनी मस्त सुकून वाली नींद आएगी बता नहीं सकता भले वो फिर पांच घंटे भी सोगे ना ऐसा लगेगा कि यार मजा आ गया सो दैट साउ नाउ यू हैव टू चेज योर सेल्फ एवरी डे थोड़ा सा स्टिफ टारगेट रखना स्टार्ट कर दो एंड उस स्टिफ टारगेट को यस yes, बोलते ना अचीव करो जस्ट ड्रॉप इन इन द कमेंट्स यस सर आई आई विल प्लान एंड विल अचीव माय गोल एज वेल दैट विल गिव यू अ साउंड स्लीप एंड देन नेक्स्ट डे का मोमेंटम ऑटोमेटिकली बनेगा कुछ एक दो दिन ऊपर नीचे जाएंगे दैट्स एब्सोल्युटली ओके बट अदर देन दैट प्लानिंग करके पढ़ना है प्लीज हवा में अरे आज मन कर रहा है चलो एफआर उठा लिया कल मन कर रहा है ऑडिट उठा लिया कुछ नहीं हो रहा है तो चलो एफ कर लिया डोंट डू दैट थिंग ठीक है ना अभी लास्ट मोमेंट पे यू शुड नो वॉट यू हैव टू गिव योर सेल्फ इन टर्म्स ऑफ योर प्रेपरेशन ठीक है थर्ड प्लीज अगर एक ही ग्रुप दे रहे हो ना तो एक टेस्ट फॉर श्योर दे ही देना दोनों ग्रुप दे रहे हो तो टाइम निकालने का कोशिश करो इफ इट इज फिजेबल वेल एंड गुड बट इफ यू आर गिविंग जस्ट वन ग्रुप फॉर श्योर आपको एक टेस्ट तो देना ही है भले आप इंटर के स्टूडेंट हो या फाइनल के स्टूडेंट एग्जाम हॉलीडे स्ट्रैटेजी इन एडवांस प्लान कर लो अब मेरे को सीए फाइनल ग्रुप वन का पता है ऑडिट के लिए दो दिन का छुट्टी है तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए ए के एग्जाम के बाद आके मस्त रिलैक्स कर रहे हो चल भाई दो दिन का छुट्टी है आराम से कल से स्टार्ट करेंगे नो उसको भी फ्रूटफुली यूटिलाइज करना है अपने को एंड अभी से से वो चीज पता होनी चाहिए कि भाई मैं उस दिन में ये वाले स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है है प्रोफेशनल एथिक्स जो भी है मैं करने वाला हूं या फिर कोई और ग्रुप में कुछ और हॉलीडेज है वो स्ट्रेटेजी अभी से एडवांस में प्लानिंग उसका होना चाहिए सो दैट से अगर मेरे को लग रहा है कि चलो प्रोफेशनल एथिक्स मैंने अच्छा किया जस्ट एन एग्जांपल ऑफ ऑडिट तो मैं इसको जब मेरा हॉलीडेज है दो तीन दिन का मेरे को छुट्टी है ऑडिट में वो टाइम पे और अच्छी तरह से कर लूंगा अभी मैं वो प्रोफेशनल एथिक्स को रिवाइज करने से अच्छा जो टाइम है उसको मैं FR या में जो चीज मेरी छूट गई है उसको दे देता हूं क्या बोलते हो पब्लिक राइट एंड नाउ कम्स माय सरप्राइज बट उसके लिए आप लोग को यह वीडियो को लाइक करना है तो ही आपको यह सरप्राइज आपके टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा यस ऑल फॉर्मूलाज एट वन प्लेस फॉर ए एफ एम एंड फॉर सी ए इंटरमीजिएट कॉस्टिंग और इंटरमीजिएट एफ एम के लिए भी आर एस्ट है लो क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें आने वाली है आपने किया होगा तो वेरी गुड नहीं किया है तो कर लो बेलाइकन क्लिक कर लो सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन लाइक द वीडियो सो दैट सिमिलर वीडियोज आप लोग को और मिलती रहे ना ए एफ एम कितने सारे फॉर्मुलाज है अपन सबको पता है ये सबको मैंने कंपाइल कर दिया है इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग द वंस

ियल कॉस्टिंग well. है एम्प्लॉय कॉस्टिंग है जो आप चैप्टर बोलोगे सब चैप्टर का यहां पर मेरे पास रेडी uh, है एंड यू विल गेट इट ऑल एट वन प्लेस ठीक है साथ अपने को पढ़ाई करना है कहीं पे भी बैकफुट पे नहीं आना है ठीक है मोमेंटम रखो पॉजिटिविटी रखो स्लीपेल इट हेल्थी मच रिक्वायर्ड दीज थर्टी थर्टी फाइव डेज सर एग्जाम पोस्टपोन का चांसेज नहीं है जीरो परसेंट चांसेस एग्जाम पोस्टपोन होगा हंड्रेड एंड वन परसेंट चांसेस एग्जाम सेकेंड मे को जो दिया है उस दिन चालू हो रहा है फुल स्टॉप स्टडीज पे फुल फोकस, एक ही तरीका है उसका फोन को फ्लाइट मोड पे एयरप्लेन मोड पे डालो पढ़ाई पे फोकस करो टारगेट्स जो रखा है कंप्लीट करो लिखो कमेंट में आई विल मेक द टारगेट्स एंड आई विल गॉड डैम इट ब्रेक द टारगेट्स मैं मेरे टारगेट्स को अचीव करूंगा आई विल अचीव द टारगेट्स मिलते रहेंगे कुछ और रिविजन uh, से रिलेटेड कंटेंट्स सी ए फाइनल सी ए इंटर दोनों के लिए आने वाले आने वाले uh, कुछ दो तीन दिनों में स्टे पॉजिटिव आस्था केयर